मेवाती हेरिटेज, एक इंट्रोडक्शन। इंडिया जो अपनी अलग अलग कल्चर्स और कम्युनिटीज के लिए जाना जाता है, मेवाती कम्युनिटी का घर है। मेवाती लोग जो ज्यादातर मेवात रीजन में रहते हैं, उनका इतिहास बहुत रिच है और इंडिया के कल्चर से जुड़ा हुआ है। अपनी रेजिलियंस और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड्स के लिए जाने जाते हुए उन्होंने सदियों से बहुत चेंजेस देखे हैं, लेकिन अपनी यूनिक ट्रेडिशंस को हमेशा संजोए रखा है। यह एसेज मेवाती कम्युनिटी के हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताता है। हम उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, उनके चैलेंजेस और फ्यूचर एस्पिरेशंस के बारे में जानेंगे। रामू की इंस्पायरिंग स्टोरी के थ्रू हम एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और कम्युनिटी की डेस्टिनी को शेप करने में इसके रोल के बारे में जानेंगे। अ ग्लिम्प्स इनटू ट्रेडिशन। मेवाती कम्युनिटी अपनी सदियों पुरानी ट्रेडिशंस और कस्टम्स को बहुत मानता है। खेती उनका मुख्य काम है। जेनरेशन से वो जमीन की सेवा कर रहे हैं। उनका नेचर के साथ गहरा संबंध है जो हार्मोनी की भावना पैदा करता है। खेती के अलावा मेवाती क्राफ्ट्समैनशिप अपने इंट्रिकेट डिजाइंस और स्किल्ड आर्टिस्ट्री के लिए मशहूर है। उनके वाइब्रेंट टेक्सटाइल्स, पॉटरी और मेटल वर्क उनके आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज और कल्चरल हेरिटेज को दर्शाते हैं। लोकगीत और नृत्य जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे हैं, उनके सोशल गैदरिंग्स और सेलिब्रेशंस में रंग और खुशी भर देते हैं। नेविगेटिंग चैलेंजेस, क्लेमिंग राइट्स। मेवाती कम्युनिटी का सफर चैलेंजेस के बिना नहीं रहा है। आर्थिक असमानताएं, एजुकेशन तक सीमित पहुंच और सामाजिक भेदभाव ने उनके सामने बहुत हर्डल्स खड़े किए हैं। फिर भी मेवाती लोगों ने मुश्किलों का डटकर सामना किया है और रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाई है। समय के साथ मेवाती कम्युनिटी अपने राइट्स के लिए आवाज उठाने और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की मांग करने में आगे आया है। वे समावेशी विकास के लिए प्रयास करते हैं, जहां हर मेंबर को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक एम्पावरमेंट मिले। सामाजिक न्याय के लिए उनकी लड़ाई उनके अटूट सिमंगट का प्रमाण है। सेक्शन 4। रामू, अ बीकन ऑफ एजुकेशन एंड चेंज। रामू, जो एक साधारण मेवाती परिवार से है, एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को दर्शाता है। एक ऐसे गांव में पला बढ़ा जहां एजुकेशन तक पहुंच सीमित थी, रामू हमेशा से नॉलेज चाहता था। गरीबी के साइकिल को तोड़ने की उसकी डिटर्मिनेशन ने उसकी एस्पिरेशंस को और मजबूत किया। आर्थिक तंगी के बावजूद रामू ने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और स्कॉलरशिप्स हासिल की, जिससे उसे हायर एजुकेशन हासिल करने में मदद मिली। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपने कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के विजन के साथ अपने गांव वापस लौट आया। रामू की कहानी मेवाती युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करती है। यह दिखाती है कि कैसे एजुकेशन इंडिविजुअल्स को एम्पावर कर सकता है और कम्युनिटीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सेक्शन 5। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर मेवातिस इन मॉडर्न इंडिया। आज के इंडिया में मेवाती कम्युनिटी तरक्की की राह पर है। बढ़ती अवेयरनेस और उनके उत्थान के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साथ वे नए अवसरों को अपना रहे हैं। युवा पीढ़ी रुकावटों को तोड़ रही है। मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे अलग अलग फील्ड्स में कदम रख रही है। मेवाती लोग देश के विकास में एक्टिवली भाग ले रहे हैं, अपनी स्किल्स और टैलेंट्स से अलग अलग सेक्टर्स में योगदान दे रहे हैं। उनका एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और कड़ी मेहनत न केवल उनके कम्युनिटी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए आर्थिक विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। सेक्शन 6। अ लेगेसी ऑफ रेजिलियंस। मेवाती कम्युनिटी की कहानी इस बात का प्रमाण है कि इंसान की स्पिरिट में चैलेंजेस से उबरने और आगे बढ़ने की क्षमता होती है। उनकी अटूट रेजिलियंस, स्ट्रॉन्ग कल्चरल आइडेंटिटी और प्रोग्रेस के प्रति कमिटमेंट ने उन्हें सदियों से हो रहे बदलावों को अपनाने में मदद की है। जैसे जैसे वे भविष्य के अवसरों को अपना रहे हैं, वे रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मेवाती कम्युनिटी का सफर इंडिया के डाइवर्स कल्चरल टैपेस्ट्री का एक अभिन्न हिस्सा है। उनकी कहानी हमें डाइवर्सिटी का जश्न मनाने, इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देने और ऐसे भविष्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है, जहां हर कम्युनिटी को फलने फूल